हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th पोएट्री का लेसन फर्स्ट द फाउंटेन, और इसको लिखा है जेम्स रसेल लावेल ने। और इसका पहला स्टैंजा देखते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। यहाँ पे जो मॉर्न आया हुआ है, ये मॉर्निंग को शॉर्टकट में लिखा गया है मॉर्न। ये पूरा मॉर्निंग है, शॉर्टकट में मॉर्न लिखा गया है, मॉर्निंग टिल नाइट। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी कि प्रकाश से भरपूर सूर्य की रोशनी में, प्रकाश से भरपूर सूर्य की रोशनी में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी उछलते और चमकते हुए। लीपिंग का मतलब उछलना है, फ्लैशिंग यानी चमकना। उछलते और चमकते हुए फव्वारा सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, प्रकाश से भरपूर सूर्य की रोशनी में उछलते और चमकते हुए फव्वारा सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। फिर से एक बार देखते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरपूर सूर्य की रोशनी में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलते और चमकते हुए फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा है। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, यह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है। दैट मीन चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की तरह लहराता है। वेविंग मीन्स लहराना है। फ्लावर लाइक फूलों की तरह, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। और स्नो का मतलब बर्फ होता है, और आइस मीन्स भी बर्फ होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आइस जो हम घरों पे जमाते हैं वो आइस है, लेकिन जो नेचुरल स्नो होता है, नेचुरल बर्फ होता है, उसको हम स्नो बोलते हैं, जो बर्फ गिरता है। तो इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, यह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की तरह लहराता है। तीसरा स्टैंजा है। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, यह तेजी से फुहारी छोड़ता है। रश का मतलब होता है जल्दबाजी में, तेजी से। इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब फुहारे छोड़ना। तो इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, यह तेजी से फुहारे छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, यह आधी रात को भी खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और यह पूरे दिन भी खुश रहता है। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरपूर सूर्य की रोशनी में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फॉर मॉर्न टिल नाइट, उछलते और चमकते हुए फव्वारा सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। इनटू द मूनलाइट, व्हाइटर देन स्नो, चंद्रमा के प्रकाश में, यह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की तरह लहराता है। इनटू द स्टारलाइट, रसिंग इन स्प्रे, तारों के प्रकाश में, यह तेजी से फुहारे छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, या आधी रात को भी खुश रहता है और पूरे दिन भी खुश रहता है। हाँ, तो ये नेक्स्ट स्टैंजा है। एवर इन मोशन, या हमेशा गति में रहता है। एवर इन मोशन, या हमेशा गति में रहता है। एवर मीन्स हमेशा, और इसका अपोजिट है नेवर, मीन्स कभी नहीं। तो एवर का मतलब है हमेशा, इन मोशन यानी गति में। दैट मीन्स फव्वारा हमेशा गति में रहता है। एवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गति में रहता है, गतिशील रहता है। ब्लिथसम एंड चेयरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। फव्वारा हमेशा गति में रहता है, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइमिंग हेवन वर्ड, यानी कि हमेशा ऊपर की ओर उठता है। स्टिल क्लाइमिंग हेवन वर्ड, या हमेशा ऊपर की ओर उठता है। नेवर अवेयरी, और कभी नहीं थकता है। तो एवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है। ब्लिथसम एंड चेयरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइमिंग हेवन वर्ड, हमेशा ऊपर की ओर उठता है, आकाश की ओर उठता है। नेवर अवेयरी, फिर भी कभी नहीं थकता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, यह सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, और वेदर्स यानी ऋतु। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, यह सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट,
और हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाई देता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, या सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाय रेस्ट, यह नीचे और ऊपर की ओर गति करता है और गति में ही इसका आराम है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, यह सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाय रेस्ट, यह नीचे और ऊपर की ओर गति करता है और गति में ही इसका आराम है। फुल ऑफ अ नेचर, यानी कि फुवारा प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर है। फुल ऑफ अ नेचर, यह प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। टेम मीन्स होता है नियंत्रित करना या फिर पालतू बनाना। फुल ऑफ अ नेचर, यह प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक पल बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा एक समान दिखता है। फुल ऑफ अ नेचर, यह प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक पल बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा एक समान दिखता है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा है, सीजलेस एस्पायरिंग, यानी कि लगातार ऊपर की ओर उठता है। सीजलेस का मतलब है लगातार, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठना। सीजलेस एस्पायरिंग, यह लगातार ऊपर की ओर उठता है। सीजलेस कंटेंट, और हमेशा स्थिर दिखता है, लगातार स्थिर दिखता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, यहाँ पे डार्कनेस का यूज किया गया है नाइट के लिए और सनशाइन का यूज किया गया है डे के लिए। दैट मीन्स डार्कनेस का मतलब रात है और सनशाइन का मतलब दिन है। तो डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, और दिन तथा रात इसके मूल तत्व है। सीजलेस एस्पायरिंग, यह लगातार ऊपर की ओर उठता है। सीजलेस कंटेंट, लगातार स्थिर दिखता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, और दिन तथा रात इसके मौलिक तत्व हैं, मूल तत्व हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, अभी कवि कहता है कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवार्ड लाइक दी, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह तरोताजा परिवर्तनशील स्थिर और ऊपर उठने योग्य बन जाए। कवि कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवार्ड लाइक दी, कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह तरोताजा परिवर्तनशील स्थिर और ऊपर उठने योग्य बन जाए। That's all.